डिस्कशन हम करेंगे मुख्तलिफ फाइलम्स की। हमने तकरीबन मोलस्का तक डिस्कस किया था ना, उसका आज करेंगे। अच्छा ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर क्या चीज है शाबाश, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात क्या चीज है शाबाश, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के बाद क्या चीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी सर, हमारी दूसरी क्लास होगी सेकंड ईयर की। कौन सी सर? दूसरी क्लास जो होती है, तो उसके बाद वो मैं कर ले लूंगा ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरा करवाऊंगा। ओके सर, बिहेवियर तो अभी मैंने समझाया ना, ठीक है। यस सर, या इसके बाद ले लेंगे जो आपकी मर्जी होगी। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सिस्टम्स हैं जो मैं अभी मुख्तलिफ फाइलम्स के लिए एक्सप्लेन करूंगा। जी मानूर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सेकंड ईयर की दो क्लासें होती हैं क्या? नहीं, अच्छा आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का को। मोलस्का के बाद हम डिस्कस करेंगे एनीलिडा को। एनीलिडा के बाद हम डिस्कस करेंगे किस चीज को शाबाश, आर्थ्रोपोडा को।
मोलस्का का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड है। मोलस्का का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज है? ये डेवलप्ड है। डेवलप्ड का मतलब ये है कि हमारे पास मुंह, उसमें मुंह होता है, माउथ, फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, इस डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो माउथ होता है, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब रेक्टम या एनस होता है। एनेलिडा का डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप्ड है। डेवलप्ड का मतलब ये है कि इसमें माउथ होता है, फेरिंग्स होगा, इसोफेगस होगा, स्टोमक होगा, इंटेस्टाइन होगा और एनस होगा। इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम आर्थ्रोपोडा का भी डेवलप्ड है। डेवलप्ड का मतलब है माउथ होगा, फेरिंग्स होगा, इसोफेगस होगा, स्टोमक होगा, इंटेस्टाइन होगा और एनस होगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये इसमें ये हमारे पास क्या चीज है? ये इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास, इसमें जनरली हमारे पास मोलस्का का एक ऐसा ग्रुप भी होता है जिसमें हर्ट होता है और हर्ट में एक आरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, या बाज ऐसे मेंबर होते हैं जिसके हर्ट में दो आरिकल्स होते हैं। और एक वेंट्रिकल होता है। एनेलिडा, एनेलिडा के हार्ट में, इसमें सूडो हार्ट्स होते हैं। सूडो हार्ट्स का मतलब ये है हार्ट्स हैविंग नो चेंबर्स, नो आरिकल, नो वेंट्रिकल। हर्ट हैविंग नो चेंबर, इसमें चेंबर नहीं है, आरिकल वेंट्रिकल इसमें नहीं होते। क्लियर है? जिस तरह हमारे पास अर्थवर्म होता है तो उसमें चार से लेकर पांच पेयर ऑफ सूडो हर्ट्स होते हैं, और ये जो आर्थ्रोपोडा है तो इसमें हमारे पास इस तरह एक आरिकल और एक वेंट्रिकल से बना हर्ट होता है। तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये जरा डिस्कस करते हैं। तो मोलस्का में, मोलस्का में एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए किडनी होता है मेंटल कैविटी में। इसमें क्या होता है? शाबाश, किडनी होता है मेंटल कैविटी में। इसमें किडनी भी होता है यूरिन की एक्सक्रीशन के लिए, और एनस होता है सॉलिड वेस्ट की एक्सक्रीशन के लिए। एनेलिडा में, एनेलिडा में नेफ्रेडिया होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ट्यूबुलर सेल से नेफ्रेडिया से क्या, और ट्यूबुलर सेल्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये एक साइंटिस्ट था मार्सिलो माल्फीजी, उसने 1878 में इसको प्रेजेंट किया था। तो इसमें जो एक्सक्रीटरी सेल्स है उसको माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसको माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मस्क्यूलर सिस्टम डिस्कस करते हैं। मस्क्यूलर सिस्टम, इसमें जो मस्क्यूलर सिस्टम होता है, मस्क्यूलर सिस्टम, तो मोलस्का में फुट होते हैं चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए क्या है? फुट। क्लियर है? एनेलिड्स में हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पैरापोडिया, पैरापोडिया या उसको हम सीटा कहते हैं।
अगर एक सेगमेंट में दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो पैरापोडिया, और अगर एक है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीटी। अर्थवा में पैरापोडिया होता है, नीरीज में क्या चीज होता है, शवश सेटी होता है। और आर्थ्रोपोड में हमारे पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मोलस्का में गिल्स होते हैं। मोलस्का में क्या होता है, गिल्स, और सरफेस पर भी जो पानी में रहते हैं गिल्स, जो पानी के बाहर रहते हैं तो सरफेस, बॉडी सरफेस। एनेलिडा में हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है तो ये भी इक्वेटिव मेंबर में गिल्स, और जो टेरेस्ट्रियल मेंबर है उसमें बॉडी सरफेस। और आर्थ्रोपोड्स में जो इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है वो गिल्स के जरिए। इक्वेटिक आर्थ्रोपोड में क्या है, शाबाश, वो आर्थ्रोपोड्स जो जमीन पर रहते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स, ट्रेकिया इसको हम कहते हैं। अब एक है ट्रेकिया, ट्रेकिया के साथ अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिस तरह हमारे ट्रेकिया के साथ नोज कनेक्टेड है, तो नोज आप लोगों को नजर आ रहा है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नजर आता है और उसमें ओपनिंग होते हैं उसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। और वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो नजर नहीं आता वहां पर नोस्ट्रिल को स्पाइरिकल्स कहते हैं। तो यहां पर ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया ये लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर इसके साथ नोज कनेक्टेड है और सोराख उसमें है तो नोस्ट्रिल। लेकिन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स ट्रेकिया के साथ नोज नहीं होता, सिर्फ दो ओपनिंग होते हैं, उसको हम स्पाइरिकल कहते हैं। और हमारे पास वो आर्थ्रोपोड्स जो पत्थरों के नीचे रहते हैं उसको अरकनाइड्स कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, अरकनाइड्स में लंग्स जैसे आर्गन होते हैं, किताब का शक्ल होता है, बुक लंग्स। क्या चीज है शाबाश, बुक लंग्स। अच्छा, नर्वस सिस्टम डिस्कस करते हैं। मोलस्का में थ्री पेयर्स ऑफ ऑरेंज कलर गैंग्लिया थ्री पेयर्स ऑफ ऑरेंज कलर गैंग्लिया ऑरेंज कलर गैंग, मैंने बताया था सेल बॉडीज की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया। एनेलिड्स में
ये मेटामेरिकल सेगमेंटेड बॉडी है, ज्यादा सेगमेंट है इसकी बॉडी में, हर बॉडी सेगमेंट में गेंगलिया होते हैं, नर्व्स एंड गेंगलिया इन ईच बॉडी सेगमेंट। और जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, तो बहुत सारे गैंग्लियस मिलकर हेड में एक सिंपल ब्रेन बनाते हैं। इसमें क्या चीज है शाबाश? अच्छा, इसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसकी डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो जो मोलस्का है, सिक्स इज उसमें सेपरेट होता है, टेस्टिस वाइट कलर होता है और ओवरीज रेड कलर होता है, और इसमें ये सिक्स इज क्या है, सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है, और यहां पर एक लार्वा बनता है, ग्लूकिडियम लार्वा। एनिलिड्स में डिस्कस करते हैं, एनिलिड्स में अच्छा एनिलिड्स में डिस्कस करते हैं, ये हार्मोप्रोडाइट है, सिक्स इज सेपरेट नहीं है, बोथ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक लार्वा बनता है यहां पर, उसको हम कहते हैं ट्रोकोपोर लार्वा। और आर्थ्रोपोड्स में डिस्कस करते हैं, आर्थ्रोपोड्स में सिक्स इज सेपरेट है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आर्थ्रोपोड्स में जो हमारे पास मेटामॉर्फोसिस है, उसको जरा डिस्कस करते हैं। मेटामॉर्फोसिस जी एम अनासिफ, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आर्थ्रोपोड में ट्यूब्यूलर सेल है, स्पेशल ट्यूब्यूलर सेल, एक्सक्रीटरी सेल्स। एक्सक्रीटरी सेल्स टेक वेस्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन और उसको रिमूव करते हैं, उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं थ्रू एनस। और सर ये एग्रेशन में जो है, तो ये बगैर किसी वजह के ये लोग
इन लोगों में जो है ये फाइट और ये कुछ होता है? जी ए मनासिफ। जी सर। सर जी मेरी ए एक बात मनासिफ। सर जो जो मैं पूछती हूँ ना आप बोले जरा, आपको हुस्ना के क्वेश्चन से मसला होता है? जी आप जरा बताइए। उबेद सर आप सुन जी उबेद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बताइए सर जरा। उबेद प्लीज थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सर। जी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि मेल जुदा होगा फीमेल जुदा होगा। आई मीन टू से सेक्स इज सेपरेट। क्लियर है? यस सर। यस सर। सलाम अलैकुम सर। सलाम जी। सर जी दी तासु जी क्लास खत्म शुनो दी ग्रुप के दा कसान खपल नेम चेंज क्यों रहा है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें हमारे पास मेल और फीमेल है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। मेल से स्पर्म फीमेल से ओवम। तो स्पर्म और ओवम ये मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। अब एम्ब्रियो जब एडल्ट तक पहुंचता है तो इस दौरान ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स में शेप चेंजेस आते हैं। शेप चेंजेस इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एम्ब्रियो से अगर एडल्ट बनता है किस चीज में? आर्थ्रोपोड्स में। तो इस दौरान हमारे पास शेप चेंजेस आता है। और इस शेप चेंजेस को इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब इस एम्ब्रियो से एडल्ट बनने के दौरान जितनी भी स्टेजेस होती है उसको स्टेडिया कहते हैं। अब एम्ब्रियो से लेट सपोज अगर एडल्ट बनने में हमारे पास जो स्टेज होता है स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री इस तरह स्टेज फोर। तो स्टेज वन से स्टेज टू कितने टाइम में बनता है? द ड्यूरेशन बिटवीन टू स्टेजेस इज कॉल्ड स्टेडिया या स्टेडियम। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? इन दो स्टेजेस के दरमियान ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? स्टेडियम। इन दो ग्रोथ स्टेजेस के दरमियान ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? स्टेडियम। दो ग्रोथ स्टेजेस के दरमियान जो ड्यूरेशन है इसको हम क्या कहते हैं?
हर एक स्टेज पे नया इमेज होता है, हर एक स्टेज पे जो इमेज होता है उसको हम इंस्टर कहते हैं। उसको हम क्या कहते शाबाश? इंस्टर। हर एक स्टेज पे जो शेप इमेज होता है उसको हम इंस्टर कहते हैं। दो इंस्टर के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम स्टेडियम कहते हैं। हर शेप, हर एक स्टेज पे जो इमेज होता है, नया नया इमेज, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टर कहते हैं। एडल स्टेज पे जो फाइनल इमेज होता है फाइनल इमेज, तो उसको हम इमेजो कहते हैं। हर एक स्टेज में जो स्किन होता है वो नेक्स्ट स्टेज में रिमूवल होता है, उसका शेडिंग होता है। हर एक स्टेज में स्किन शेडिंग होता है। क्या होता है? स्किन की शेडिंग, क्योंकि साइज में इजाफा होता है। हर एक स्टेज में, मतलब हर एक स्टेज में, एक स्टेज में एक बंदा छोटा है, नेक्स्ट स्टेज में बड़ा होगा। बड़ा किस तरह होगा? स्किन शेडिंग होगा, स्किन शेडिंग, स्किन शेडिंग होगा। अब इस स्किन शेडिंग को इकडाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस, या इसको हम क्या कहते हैं? इकडाइसिस। मेटामॉर्फोसिस में जो स्किन शेडिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मोल्डिंग। कैमरा ऑफ करो प्लीज। अब मेटामॉर्फोसिस इसकी तीन अकसाम है। मेटामॉर्फोसिस की तीन अकसाम है। अगर लेट सपोज यहां पर हमारे पास अगर चेंजेस होती है, ज्यादा चेंजेस होती है, बिल्कुल इम्ब्रियो में और एडल्ट में, मतलब स्टेज नंबर फर्स्ट और एडल्ट में बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होता है। स्टेज नंबर फर्स्ट और स्टेज नंबर लास्ट, इसमें शेप में बहुत ज्यादा फर्क है, तो होलो मेटाबोला। मेटामॉर्फोसिस में अगर ज्यादा चेंजेस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? होलो मेटाबोला। मेटामॉर्फोसिस में अगर हमारे पास स्टेज नंबर वन और स्टेज नंबर लास्ट में अगर शेप चेंजेस इतना नहीं है, मतलब स्टेज वन पे जो चीज आपने रिकॉग्नाइज किया है स्टेज लास्ट पे भी वही शेप होता है, सिर्फ कलर वगैरह में चेंज, तो हीमी मेटाबोला। अगर कम चेंजेस होती है तो बटरफ्लाई में ये होलो मेटाबोला, उसमें मेटामॉर्फोसिस ज्यादा होता है। और जो वेस्ट वगैरह है, कॉकरोचेस वगैरह है, तो ये हमारे पास इसमें मेटामॉर्फोसिस कम होता है, हीमी मेटाबोला है। और कोलम्बोलान, उसमें हमारे पास मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल नहीं होता, तो ए मेटाबोला। उसको हम क्या कहते हैं शाबाश? ए मेटाबोला उसको हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। जो इमेज बनेगा डिफरेंट स्टेजेस में इन स्टार्स, सर हम इसे निम्फ भी कहेंगे।
इसी इमेज को। ये जो सर आपने बताया कि जो ये डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं उनमें जो इमेज बनेगा उन्हें हम इंस्टार कहेंगे, या हम उसे निम्फ नहीं कह सकते इसी इमेज को? क्या चीज कहते हैं निम्फ? सर हमारे सिलेबस में से निम्फ भी लिखा है। यस, निम्फ, इसको निम्फ भी कहते हैं, NYMPH। यस सर। और सर दूसरी बात, ये आर्थ्रोपोडा है उनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है लेकिन मेटामेरिकली नहीं होती एनेलिडा की तरह। एनेलिडा मेटामेरिक, डिफरेंस ये होता है कि ये मेटामेरिकली नहीं होती और एनेलिडा जो है वो मेटामेरिकली होती है सेगमेंटेड। बॉडीज ऑफ आर्थ्रोपोडा भी मेटामेरिकल सेगमेंटेड होता है लेकिन वो हमारे पास बहुत कम मेटामेरिकल सेगमेंटेड है। इसमें हमारे पास नर्व्स और ज्यादातर हमारे पास जो थोरिक्स है उसमें सेगमेंट से लिग्स निकल आते हैं। ठीक है, यस थैंक यू। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब है स्पाइनी, इकाइनो का मतलब है स्पाइनी। और डर्मेटा का मतलब है स्किन। तो इस स्पाइनी स्किन एनिमल होते हैं और इसकी जो बॉडी पार्ट्स है, इसकी बॉडी पार्ट्स है दो, इसकी दो बॉडी पार्ट्स है। एक पार्ट को हम